देखिए हम लोग शांतिपूर्ण मिचिल कर रहे हैं, इसमें पुलिस हम लोगों को लाठी चला रहा है, कादानी गैस में मिर्चा का पाउडर मिला के हम लोगों को दे रहा है। आप लोग समझिए कि 40 मीटर का अंदर उस दिन जब बॉडी पड़ा हुआ था उस दिन पुलिस कहाँ था, कब तब इतना आदमी क्या कर रहा था भीतर में। उस दिन 163 मेरा देश का आइन लागू नहीं था। आज हम लोग रास्ता में उतरे तो 163 हो गया। ये कैसे हम लोग तो शांतिपूर्ण मिचिल कर रहा है, उसमें पुलिस हम लोग को क्यों ऐसा कर रहा है? पुलिस को सर्टिफिकेट चाहिए, सर्टिफिकेट हम लोग दे रहा है। हम लोग का कोई गलती नहीं था, हम लोग शांतिपूर्ण मिचिल में पुलिस ऐसा कर रहा है। दीदी के मेरे से तरह जाते पानी ना फेरे पुरस्कार पुलिस आज के दिन को 15 बच्चों धरे छोटी छेटे मानुष के विभिन्न रकम হস্তক্ষেপ করছে মানুষের জীবনের প্রতি। কোথাও জায়গা দখল, কোথাও রাস্তাঘাট, কোথাও মা মনেদের সুরক্ষা নেই। এই চপ্পল পুলিশ কা সার্টিফিকেট হ্যায় जो आज वो छुप के 99 में चढ़ रहा था, आज उसको खुले हम नागरिक का सामने मिल रहा है। जूता नहीं पुलिस सर्टिफिकेट जेटा पुलिस लुकिए चाटतो सेटा आज के जनसाधारण सामने चाटतो ताई उनके सर्टिफिकेट देबो पुलिस के। तो आप सुन रहे थे जो छात्र सड़कों पर थे, आक्रोश की शांतिपूर्वक ये पूरा प्रोटेस्ट चल रहा था, उस प्रोटेस्ट को कैसे दबाने की कोशिश हुई है। 9 अगस्त को ये घटना सामने आई थी जब कोलकाता के आजकल मेडिकल कॉलेज में हैवानियत हुई थी और उसके बाद लोगों का गुस्सा भड़कता चला गया। संजय राय की गिरफ्तारी होती है, वो अपना जुर्म कबूलता है और इस बीच मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का इस्तीफा होता है, लेकिन इसी बीच दूसरे कॉलेज में नियुक्ति होती है जिस पर भी हमला होता है, सरकार की मंशा पर सवाल खड़े होते हैं। इसके बाद हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। सरकार खुद भी सड़कों पर उतर आती है, ममता बनर्जी भी आपको मार्च करते हुए दिखाई दी हैं, तब भी सवाल उठे थे कि आखिरकार ये कैसी सरकार जो अपने ही खिलाफ सड़कों पर उतर जाए। और आज देखिए, आज भी सड़क पर प्रदर्शन हो रहा है, आज सड़क पर छात्र उतरे हुए हैं, लेकिन 9 अगस्त से अब तक लगातार कोलकाता में प्रदर्शन हुए हैं, डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट चला है, पूरे देश में अलग अलग शहरों में डॉक्टर्स ने प्रोटेस्ट किया। सभ्यसाची हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभ्यसाची कोई अपडेट? उधर से पुलिस ने कहा कि हमने काफी पीछे खदेड़ दिया है, इधर नहीं आना चाहिए था छात्रों को। जी बिल्कुल देखिए पुलिस ने काफी दूर जो है छात्रों को, प्रोटेस्टर्स को खदेड़ दिया है। करीबन जो मेन बैरिकेड है उससे करीबन 500-600 मीटर दूर जो है छात्र अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बाकी प्रोटेस्टर्स जो है यहाँ मौजूद हैं। लेकिन जो सुबह हमने देखा था और करीबन 1-2 बजे जो भीड़ थी हजारों की तादाद में, वो भीड़ कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रही है और इस समय करीबन 100-200 जो है प्रोटेस्टर्स केवल डटे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लगातार जस्टिस फॉर आरजी कौर की मांग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का इस्तीफा मांग कर रहे हैं।